भारतीय क्रिकेट में ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब टीम में दो एक ही स्टाइल के खिलाड़ी जगह बनाने के लिए आपस में भिड़े तो इस स्थिति में किसी एक खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें धोनी और कार्तिक के बीच भी देखने को मिला था, जहां धोनी ने अपने स्किल्स के जरिए कार्तिक के करियर को ओवरटेक कर लिया और इसका नतीजा ये रहा कि दिनेश कार्तिक तब तक भारतीय टीम में वापसी नहीं कर सके जब तक कि महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ बने हुए थे। ऐसा ही कुछ अब इस खिलाड़ी के साथ भी होता नजर आ रहा है। तो कौन है वो खिलाड़ी और किसने डुबो दी है इस खिलाड़ी की नैया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। हम इस वीडियो में जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं वो अक्षर पटेल, जिनको रविंद्र जडेजा की वजह से टीम में जगह पक्की कर पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल इसी एशिया कप का आयोजन होना था और इससे पहले ही रविंद्र जडेजा को पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उनको सर्जरी करवानी पड़ी थी और इसी सर्जरी की वजह से रविंद्र जडेजा भारतीय टीम से 5 महीने दूर रहे थे और उस समय उनकी जगह पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया था, जिसको अक्षर पटेल ने अपने दमदार खेल की बदौलत दोनों हाथों से लपका था और उनको लगातार न सिर्फ टीम स्क्वाड बल्कि लगातार टीम में भी मौका दिया जा रहा था और अपने लाजवाब खेल की बदौलत वो टीम के मैच विनर भी बनकर उभरे थे। लेकिन तभी रविंद्र जडेजा फिट हो गए और अक्षर पटेल को एक बार फिर से अपने स्पॉट के लिए स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब तक भारतीय टीम अपने सरजमीं पर खेल रही थी तब तक भी अक्षर पटेल को कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, मगर जैसे ही भारत देश छोड़कर विदेश में खेलने गई वैसे ही एक बार फिर अक्षर को टीम से बाहर कर दिया गया और वहां एक बार फिर जडेजा अपने खेल की वजह से चमक गए और अब एक बार फिर उनका टीम में वापस आ पाना मुश्किल लगने लगा है। आपको बता दें हम जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला था, जिसमें भारत एक स्पिनर के साथ उतरा था और इस मुकाबले में जडेजा ने अपने कौशल का परिचय देते न सिर्फ दमदार गेंदबाजी की बल्कि लाजवाब बल्लेबाजी भी करते नजर आए और ऐसे में अब यही अनुमान लग रहे हैं कि अक्षर पटेल का स्थान तभी टीम में पक्का हो सकता है जब रविंद्र जडेजा संन्यास लें। हालांकि अक्षर पटेल ने कभी भी इसको लेकर शिकायत करते नजर नहीं आए हैं, फिर भी उनके फैंस के द्वारा कई मौकों पर अक्षर पटेल के सपोर्ट में आते देखा गया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या धोनी ने जैसे दिनेश कार्तिक का भारतीय क्रिकेट में करियर डुबो दिया था वैसे ही कहीं रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल का करियर तो नहीं डुबो देंगे। हालांकि जिस तरीके से हालिया कुछ सीरीज में बीसीसीआई ने अक्षर पटेल पर भरोसा दिखाया है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अभी फिलहाल में तो अक्षर पटेल की स्थान टीम में बनी हुई है और उनको आने वाले एशिया कप में भी खेलते देखेंगे, मगर बीसीसीआई से ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि उनके पास इस तरह के खिलाड़ियों के लिए क्या रोड मैप है और कैसे बीसीसीआई इतने अच्छे खिलाड़ियों को टीम के इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे में बात करें अक्षर पटेल के अभी तक के इंडियन क्रिकेट की तो उन्होंने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट के मुकाबले खेले हैं, मगर अभी भी उनका करियर थोड़ी छोटी है और इसी छोटे करियर में से उन्होंने टेस्ट में भारत के लिए 12 टेस्ट मैच खेला है जिसमें उनके नाम 50 विकेट दर्ज हैं। वहीं उन्होंने 36 की औसत से 584 रन बनाए हैं। वहीं बात वनडे की करें तो वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल ने 51 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 58 विकेट लिया था और साथ ही 412 रन भी बनाए हैं। वहीं T20 में अक्षर पटेल ने 40 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 37 विकेट लिया है और 22 की औसत से 288 रन बनाए हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के औसत और ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद भी कब तक अक्षर पटेल को सिर्फ रविंद्र जडेजा के प्लेसमेंट के तौर पर टीम में जगह दी जाती है। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या अक्षर पटेल दिनेश कार्तिक की तरह उतना पेशेंस दिखा पाते हैं जब रविंद्र जडेजा टीम से संन्यास लें तो इनका स्थान टीम में पक्का हो सके। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अक्षर पटेल को रविंद्र जडेजा के ऊपर टीम में मौका देना चाहिए या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।